आज अपन बात करने वाले हैं तीन तरीके के लड़कों के बारे में, जिनके पीछे लड़कियां खुद पागल होती हैं, दीवानी होती हैं, पीछे पड़ी रहती हैं और खुद पटाती भी हैं। तो भाई अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके पीछे पड़ जाए, आपको पटाएं, तो इन तीन लड़कों में से कोई भी एक लड़का बन जाओ। पहले टाइप ऑफ लड़के होते हैं कॉन्फिडेंट लड़के, यानी कि मर्द लड़के। यहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये कहते हो कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो कर दूंगा तो वो नहीं, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नेगेटिव अप्रोच लेकर चलोगे तो नेगेटिव ही चीजें होती हैं, ये साइंस भी कहती है। तो नेगेटिव मत सोचा करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। लड़कियों को पसंद भी यही लड़के होते हैं। देखो मेरे भाई, यहां पर फटती सबकी है, मेरी भी फटती है, तुम्हारी भी सबकी फटती है, किसी की कम किसी की ज्यादा वो बात की बात है, लेकिन यहां पर आपको बाहर से ये दिखाना होता है कि मेरी जी फटती ही नहीं, डर क्या होता है जी, मुझे मालूम ही नहीं। अंदर से कितनी भी फट रही हो, बाहर से आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी नहीं फट रही। लड़कियां ये कभी नहीं चाहती कि वो आपको अपने दोस्तों से मिलवाएं, अपनी सहेलियों से मिलवाएं और तुम उनकी नाक कटवा दो कि तुम बात कर नहीं रहे हो, एकदम नीचे, एकदम शर्मा रहे हो। नहीं भाई नहीं, यहां पर लड़कियां चाहती है कि उनका बॉयफ्रेंड ऐसा हो कि दोस्त लोग कहें कि क्या बॉयफ्रेंड है यार, कितनी अच्छी बातें करता है, कितनी सेक्सी टॉक्स करता है, ये फलाना फलाना। तो ये तारीफें लड़कियां चाहती हैं आपके द्वारा। अब तुम खुद की ही तारीफ नहीं ले पाते, उसको क्या घंटा दिलवाओगे। तो मेरे भाई यहां पर कॉन्फिडेंट बनो, चौड़ में रहना सीखो, येट लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों से प्यार से बातें करो, गाली गलौच मत करो। अगर तुम्हें लगता है ये सब करके आपको बहुत स्वैग आ जाएगा, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरे तरीके के लड़के होते हैं कॉमेडियन टाइप ऑफ लड़के, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, जो हंसाते रहते हैं, खुद भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसाते हैं, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि वो हंसती खेलती रहें। जब भी उनका मूड ऑफ हो तो एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो उनका मन बहला दे। यहां पर ध्यान देना कि जब उनका मूड ऑफ होता है तब उनका मन करता है कि कोई ऐसा लड़का हो, उसके अलावा उनका मन नहीं करता, उनका मन क्या करता है, रोमांस का। तो मेरे भाई अगर आप कॉमेडियन लड़के हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, हंसा लेते हो, तो यहां पर लड़कियां आपको इंपॉर्टेंस देंगी नो डाउट, लेकिन हमेशा नहीं देंगी। ऐसे लड़कों को लड़कियां फ्रेंड जोन मारती हैं कि मुझे हंसाता रहे, मुझे खिलाता रहे, जब भी मेरा मूड ऑफ हो तो ऑन कर दे, और जब रोमांस की बारी आती है ना तो कोई और ही पकड़ लेती हैं। अब अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां ऐसा ना करें तो उसके लिए आपको और क्वालिटीज भी लानी पड़ेंगी, लाइक कि आप फ्लर्ट भी थोड़ा बहुत कर लो, चीजी लाइंस भी थोड़ा बहुत मार दो। यहां पर आपको रोमांस का जो टेक्सचर है ना वो लाना पड़ेगा। लड़कियों में ना सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करके रखो। अब वो सेक्सुअल टेंशन वो सेक्स वाला नहीं है, अलग तरीके के होते हैं कि रोमांस करते रहो, फ्लर्ट मारते रहो, वैसी बातें करते रहो, थोड़ी ना डबल मीनिंग वाली, नॉट एग्जैक्टली, बट हां जोक्स में चलता है, नॉन वेजिटेरियन लड़कियों को पसंद है। तो यहां पर आपको ये करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मत करना, कंफर्टेबल कर लेना, नहीं तो जूते पड़ने में देर नहीं लगती। थर्ड टाइप ऑफ लड़के होते हैं लुक्स और पैसा। भाई पैसा बोलता है, ये तो मतलब आप सभी को पता है, पैसा भाई बोलता है। अगर आपके पास पैसा है तो हर एक लड़की आपको भाव देगी, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे करवाएगी तुम्हारी शक्ल अच्छी है कि नहीं, भाड़ में जाए भाई। यहां पर बस आपके अंदर थोड़ी चौड़ होनी चाहिए और थोड़ा पैसा होना चाहिए। चौड़ मैंने इसलिए कहा कि अगर आपके पास पैसा है और आप खर्च नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर पैसा हो और आप लड़कियों के ऊपर खर्च करो, भाई लड़कियां बिल्कुल दिल और जान देती हैं। अब यहां पर मैं श्योरिटी तो नहीं दे पाऊंगा कि लड़की आपके साथ शादी करेंगी या नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड जब तक रहेंगी ना खूब मौज करेंगी भाई। अब तुम समझ रहे हो मेरी बात। देखो लड़कियों को चाहिए होता है बड़े बड़े मॉल्स में घूमने जाएं, ब्रांडेड कपड़े खरीदे, शॉपिंग करें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने पीने जाएं, लंबी लंबी गाड़ियों में जाएं, कतई फुल मौज भैया, और ये सबको चाहिए होता है। मैं यहां पर लड़कियों को ही नहीं बोलूंगा कि लड़कियों को ये चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए और तुम्हें भी चाहिए। अब लड़कियों के पास ऑप्शन है ऐसा बॉयफ्रेंड बनाने का तो बना लेती हैं। भैया तुम्हें लगता है कि तुम कोई एक अमीर जादी लड़की पटा सकते हो तो पटा लो, है कि नहीं भाई। तो यहां पर लड़कियों के पास ऑप्शन है तो पटा रही हैं, भैया नॉर्मल है, ये चलता है। अब तुम अमीर बाप के बच्चे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के अमीर बाप जरूर बन सकते हो। तो यहां पर कमाओ धमाओ, अपने गोल को लेकर स्पेसिफिक बनो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी एक गोल डिसाइडेड होना चाहिए कि जाना कहां चाहते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम जाना कहां चाहते हो, मैं 100% तुम्हें कह सकता हूं। और जिनको पता है ना कि कहां जाना है, वो 10 कमियां पहले ही निकाल चुके हैं कि भैया मेरे से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये तो होना ही नहीं। तो मेरे भाई अपने गोल को डिसाइड करके रखो, क्या करना है कैसे करना है, पूरा एकदम प्लान लेकर चलो और मेहनत करो। जब पैसे आ जाते हैं ना भाई, तो चाहे तुम मोटे हो, चाहे तुम छोटे हो, चाहे तुम सांवले हो या काले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि हां भाई काम की बात है, अच्छी बातें हैं, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही वीडियोस आपको और चाहिए, तो बगल में एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसका दबाना ना भूलना। उसके बगल में एक घंटा आता है भाई, घंटा जो दबा देगा तो भाई उद्धार हो गया तुम्हारा। और बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा लड़का बनना चाहोगे।